तो बताएं अम्मा आप अपने बारे में, कैसी हैं आप? बोलती है अल्लाह बड़ा है, मगर मैं ना मेरे बेटों को, एक ही बेटा है मेरा, उसने जालिमों ने मेरे बेटे को मार दिया। मेरी एक बेटी है, वो कमा के मुझे खिलाती है, और उसके 5 बच्चे हैं। बस मैं किराए पे रह रही हूँ, और मुझे गले की तकलीफ भी है। किसने मारा इनके बेटे को, आपके बेटे को? सास सासू सास ने? आप सास ने मतलब दामाद को मार दिया, हाँ, सास ने दुश्मनी में, हाँ, दुश्मनी में? ये हाँ, कब तो हुआ है? बस हालत ही है, 2 साल दो साल हो दो गए साल हैं। सास ने नियाज के बहाने बुलाया था, फिर हाँ उधर ये सास ने इसका गला दबा के ये पूरे पेट की आंटे वाने सब निकाल कर, और ऐसा, निकाल हाँ, कर, ऐसे ये पूरा ये नुकसान किए। एक बेटा था और मियाँ बीवी थे, एक बेटी है, सही है। ठीक है। बाप भी इसी परेशानी में रो रो के मर गया। अब ये कह रही है कि मुझे ऐसी मदद करो कि मेरा घर हो, मैं एक घर में अपने बच्ची बेटी को लेके, उसके बच्चों को लेके मैं बैठ जाऊं। तो मैं चाहूंगी कि अल्लाह ताला जो है वो आपकी, मेरी, हमारी गायबाना मदद करें। अल्लाह ताला हमारे गैब से वसाई बनाएं। और आप बहुत प्यारी हैं, बहुत 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 प्यारी हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम मुनी खान, और वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम एक दिन की नेकी में। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी माँ मौजूद है, जिनका नाम है अल्लाह बजाई। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अम्मा को जो ना वो आती है सिंधी, तो इसीलिए इनकी हेल्प के लिए हमारे पास एक है खातून, जो कि हमें हेल्प भी करेंगी। आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो ये बात ही करें और मुझे ना समझ में आए तो आप मुझे बता ठीक है दीजिएगा, ठीक है ठीक है, है फिर मैं ना? बता दूँ। तो बताएं अम्मा आप अपने बारे में, कैसी हैं आप? बस अल्लाह जो शुक्र आहे, हाणे ॾिसूं छा ॾिस, हाल ॾिसे थी त अमां जी हाल कहिड़ो थी वियो आहे, ॿ पुटु जवान हेॾो सॼो ज़ालिमनि मारे पियो, बसि हाणे असांजो को कमाइण वारो कान्हे, क़त्लु करे बोलती छॾियो। है अल्लाह बड़ा है, मगर मैं ना मेरे बेटों को, एक ही बेटा है मेरा, उसने जालिमों ने मेरे बेटे को मार दिया, इसलिए मैं अभी अपने बहन के बेटे के पास रह रही हूँ। मेरी एक बेटी है, वो कमा के मुझे खिलाती है, और उसके 5 बच्चे हैं। बस मैं किराए पे रह रही हूँ, और मुझे गले की तकलीफ भी है। किसने मारा इनके बेटे को, आपके बेटे को? सास सास ने सासू सास ने? आप सास ने मतलब दामाद को मार दिया, हाँ, सास ने दुश्मनी में, हाँ, दुश्मनी में? ये हाँ, कब तो हुआ है पांजी धी उन आज ही कई असा खा मुझसे अम्मा? ये कदे कब हुआ है? कदे थियो, बस हालत थी है, 2 साल, दो साल हो दो गए हैं। साल तो ये तो यकीनन फिर एक पुलिस केस बना होगा। और गरीब मिस्किन करके तो तो पुलिस कहीं पे भी नहीं आई, दरवाजे पे? आई असन जो गोठे जो चो मुस ते पुलिस के वारे छियो चिन ने, ये एक्सीडेंट थियो, एक्सीडेंट कर ये मड़को बनी छियो, ये नरको तो बनी छियो, बया है नरा कुटियो न जा एडो सजे दबाई। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बोल रहे थे कि पुलिस आई थी, एक्सीडेंट हुई पुलिस है, वाले को वापस भेज दिया, बोला कि इसको ऐसे ही है ना, गलती से इसको हो गया, लाइक हाँ एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ। हो गया, इस वजह से मतलब हो गया, और है ना इसका कोई ऐसा कुछ केस नहीं है। फिर ये गरीब बेचारी अपनी बेटी को वहाँ से लेके कराची आ गई, सिंध से कराची आ गई, अच्छा, ये सिंध में हुआ है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि क्यों सास ने क्यों ऐसा किया आपके बेटे के सुन साथ? पंहिंजी धीअ न थे ॾिनी न असांखे, त मूं सां चई छॾिया त असीं नथा ॾियूं धीअ, ये अपने बेटे के लिए उसकी बेटी मांगी थी, लोग ये है कि बेटी देते बेटी लेते, तो हाँ इसने अपने बेटे के लिए बेटी मांगी होगी ना उसकी, तो उन लोग ने नहीं दिया, उस वजह से दुश्मनी में इसने अपने इसके अपने दामाद को मार दिया उसने, कि ये तो, रिश्ता ही और खत्म वो हो जाए। अरेस्ट भी नहीं हुई, वो घूम रही है, उसको जेल भी नहीं नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे ये ही कहाँ घूम का रही है। कानून है? ये को सिंध में कौन सी जगह में हुआ है? मातली 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 सिंध में मातली में हुआ है ये, तो अम्मा 2 साल हो गए इस बात को। हाँ। ये अम्मा भी यहाँ पे बहन की पे बेटी हो पास कुरो रहती पे है, हो कुरो पुत्रो असन जो उपेग दाम करे 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 मरी वेलो क्या? पुतला रड़ियो करे करे। बाप जैसे एक बेटा था और मियाँ बीवी थे, एक बेटी है, सही है। ठीक है। बाप भी इसी परेशानी में रो रो के मर गया, और बेटा भी मर गया, बस अभी खाली है कि ये अम्मा है और इसकी बेटी है, और इसकी बेटियों के 5 बच्चे हैं। अल्लाहु अकबर। यानी जो इनके बेटे के साथ जो हुआ, उसके रो रो उसके उनके सदमे में वालिद उसका वालिद साहब, का भी इंतकाल हो गया। अल्लाहु अब ये कह रही है कि मुझे ऐसी मदद करो कि मेरा घर हो, मैं एक घर में अपने बच्ची बेटी को लेके, उसके बच्चों को लेके मैं बैठ जाऊं, कि कोई अकबर। मतलब मेरा और जो मदद में बेटी का आए। शौहर है वो वो असा कटी छो वो वो छोड़ उस, के चला गया, हाँ, वो बेटी का शोर भी बेटी के पास मतलब नहीं कुछ है। मारा कटी छो घर में, मुझे वन असा कम जो नहीं, मुझे बच्चों सजो मारा छो,
तो फिर गुजारा कैसे होता है? तो बेटी काम पे जाती है, बेटी काम पे जाती है और बेटी के 5 बच्चे हैं। क्या ये अम्मा को बिठा, क्या काम करती है बेटी? घर का काम करने जाती है, ये सफाई। हाँ, ये तो बड़ा हादसा हो गया है। हाँ। और मतलब जो बेटी का जो शौहर था वो आपके बेटे के इंतकाल से पहले ही चला गया था? ना, 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 बाद में गया, बाद में, बाद में। और ये उन्हीं का बेटा था? हाँ, जिन मारियो मुझे पुत्र के वो भाई वो जे मारा। तो ये यानी आप लोगों के रिश्तेदारों में, रिश्तेदारों में था, आमने सामने जैसे लोग देते हैं ना। तो ये जैसे कि अभी बेटी इसकी जो है ना उनके बेटे के साथ हो गई, और उनकी बेटी ने लोग ने मांगा तो लोग ने इससे पहले ये ने बेटे को मार दिया। तो तब आप कहाँ थी जब आपके घर में नहीं, अब बेटा आपके साथ नहीं रहता था? आप मेरे साथ हो, आपके साथ रहता था वो उनके खड़ी भी आके करो खड़ी न दावत है रसूलुल्लाह जी मानी का ना उर्स करता ये दावत खड़ी भी हो सस के दियन। नियाज किया था सास ने, नियाज के बाने बुलाया था, फिर उधर ये सास ने इसका गला दबा के ये पूरे पेट के आंटे वाने सब निकाल कर और निकाल ऐसे, हाँ ऐसे ये पूरा ये नुकसान किए। कैसे निकाला? हाँ यही बोलते बोलते पेट में मरका बन गया, मारा पहले नर चुपू नरा पटे और तुम रश के मारे चलियो एक्सीडेंट थी। ऐसे ऐसे ये चीज जो निकाली की ताकि उसको ऐसा लगे ये एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया इसका, मगर बोले घर में ही मारा है पहले इसको यहाँ से मारा है कुलारी, फिर इसका गला दबाया, फिर यहाँ से इसके ये चीज निकाल के। यानी अब देखे माँ जी के जो एक ही बेटा था आपका? हाँ एक ही, एक ही बेटा वो भी देखे शहीद हो गया। जो बेटी का शौहर था वो छोड़ के चला गया, बेटी का शौहर छोड़ के चला गया। जो शौहर है वो बेटे के गम में रो रो के वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो अब माँ जी है, माँ जी की बेटी है और उनकी उनकी बच्चियां हैं। हाँ। उनकी बच्चियां हैं। तो आप लोग साथ रहते हैं, आप बेटी के साथ रहते हैं? हाँ, बेटी के साथ। और जो बेटी है वो घरों का काम करती है। हाँ। तो आप देखें किस किस तरह से दुनिया में लोग किस किस कदर और जुल्म कर जाते हैं। मैं सिर्फ ये सोच दूँगी अगर आप एक बार दिन में ये सोच लेना कि आपने कब्र में जाना है, सिर्फ उस प्रोसेस को सोच लें तो आप तो तौबा ही निकाल लें। और ये जो बातें ना ये आम नहीं है, आपको पता है जाने वाले तो चले जाते हैं मगर उनके पीछे जो लोग होते हैं ना उनके लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किस दिमाग के लोग हैं, मैं तो मुझे तो बहुत दुख हुआ सुन के। और बस जो रब की मसलहत, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बड़ी हिम्मत दी है। अब माँ जी का हम आपको देंगे नंबर स्क्रीन पे, फोन है आपके पास? नहीं। तो किसी ने अगर आपकी मदद करनी है तो कैसे करे? फोन आए मुझे जमाई होते आए फोन पर फायदो ना है ना, जमाई तो होते ना है ना, तब वो फायदो चाहे पो तू पिछले रिश्तेदार जो नंबर डी ले जे के जो ठीक है उन जो जो तो कह लाए ना उन्हीं नंबर डी ले जाए से रात थी मैंने। कैसे कैसे करेंगे रामत? जैसे जिस जिन्होंने इनको भेजा है ना, हाँ हाँ हाँ, तो ये उसका उससे नंबर ले लेगी या इनकी रिश्तेदार आई हुई है। एतबार वाला होना चाहिए जो भी हो, वो माशाल्लाह एतबार वाली बहुत के माँ जी को पैसे मिले। तो वो और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही हूँ कि आप जब भी पैसे भेजेंगे आपने वीडियो कॉल करके, आप जिन भी हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए आप उनसे डायरेक्टली वीडियो कॉल पे बात करेंगे, आप कंफर्म करेंगे कि आपको पैसे मिले हैं या आपको पैसे नहीं मिले हैं, या पैसे भिजवाने से पहले आप वीडियो कॉल पे बात करें उनसे कि हम आपको पैसे भिजवाने लगे हैं, है ना? ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास फ़ोन नहीं है। अब माँ जी का क्या, माँ जी तबीयत ख़राब है, उनकी बेटी है, रहने के लिए जगह चाहिए। हर इंसान का दिल चाहता है कि एक अपना घर हो जिसको वो ताला लगा के घर से बाहर जाए, किसका दिल नहीं चाहता। तो मैं चाहूँगी कि अल्लाह ताला जो है वो आपकी मेरी हमारी साहबाना मदद करें, अल्लाह ताला हमारे गैब से वसाई बनाएं। और आप बहुत प्यारी हैं, बहुत 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 प्यारी हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। और इस रमज़ान में हम आपके लिए राशन भी लेके आए हैं माँ, और माँ जी साथ में जोड़े भी हैं ईद के, आप पहनेंगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नंबर जो है वो आपने देना, आपकी जिम्मेदारी है और हकदार तक पहुंचना चाहिए, सही है ना? नहीं तो मैं आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि हम कोई ऑल्टरनेट नंबर अपना भी रख सकते हैं, हम देखेंगे इस ऑप्शन के बारे में सोचेंगे कि ऑप्शनल हम फिर अपनी किसी टीम का नंबर रख देंगे ताकि वो इन तक पहुंच जाए, ठीक है ना? ठीक है। रमज़ान मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर।